गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर यू फाइन एंड सेफ। माइसेल्फ योर मैथ टीचर, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अ मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट में आज कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चिल्ड्रेन आपसे ये पूछेंगे, जो प्रीवियस क्लास में आप लोग का होमवर्क गया था, आप लोग ने उसको डन किया है? तो फर्स्ट होमवर्क आप लोग का क्या गया था? सेम एज क्लास वर्क। सेकेंड होमवर्क आप लोग का था, राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 8 एंड 9। 8 एंड 9 की मल्टीप्लीकेशन टेबल आपको अच्छे से लर्न करके राइट करना था अपने कॉपी में। तो सब लोग ने डन कर लिया है, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, देखते हैं आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एडिशन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एडिशन। तो पहले एडिशन को समझेंगे कि एडिशन को कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद हम आपको इस टॉपिक पे क्लास वर्क कराएंगे। ओके चिल्ड्रेन, तो एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। एडिशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा करके उसको क्या लिखा जाता है? उसको बोला जाता है एड। क्या बोला जाता है? एड। एडिशन और एड का साइन क्या होता है, मतलब सिंबल क्या होता है, कैसे पता चलता है कि यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं या फिर एड कर रहे हैं? एडिशन का सिंबल होता है ये, इसको बोला जाता है प्लस। क्या बोला जाता है? प्लस। तो एडिशन भी दो तरीके से होता है। कौन कौन सा तरीका होता है? एक हॉरिजॉन्टल एडिशन, एक वर्टिकल एडिशन। ओके चिल्ड्रेन, हॉरिजॉन्टल एडिशन इसको बोलते हैं जो लाइन से आता है, और वर्टिकल एडिशन इसको बोलते हैं जो खड़ा खड़ा आता है। समझ में आया? तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं वही क्वेश्चन सेम एज मैंने यहाँ पे भी लिए हैं। तो मैं आपको समझाऊंगी कि हॉरिजॉन्टल एडिशन एंड वर्टिकल एडिशन को कैसे किया जाता है। ओके चिल्ड्रेन, और एडिशन में भी दो तरीके से एडिशन होता है, एक विथ कैरी, एक विदाउट कैरी। विथ कैरी मतलब होता है जिसमें हासिल लगता है, और विदाउट कैरी मतलब होता है जिसमें हासिल नहीं लगता है। हासिल को क्या बोला जाता है चिल्ड्रेन? हासिल को कैरी बोला जाता है। ओके चिल्ड्रेन, तो चलिए पहले समझते हैं कि एडिशन को कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक पे आपको क्लास वर्क कराएंगे। ओके, लुक एट द बोर्ड। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसको वर्टिकल फॉर्म में इस तरीके लिखा जाता है। ओके चिल्ड्रेन, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 4 = - 2 में किसको ऐड करना है? 4 को ऐड करना है। और मैंने आप लोग को क्या बताया था? एडिशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? एडिशन हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके चिल्ड्रेन, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 2। तो यहाँ पे कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके चलिए ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 लाइन, 1 2। अब इसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है 6 + 6 = - 6 में 6 को प्लस करना है, तो सबसे पहले कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6। 6 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन क्या है? 99 + 22 = - 99 में 22 को ऐड करना है। तो अब ये वाला एकदम आप लोग ध्यान से समझिएगा, 9 में 2 को ऐड करेंगे और 9 में 2 को ऐड करेंगे। समझ में आया? मतलब वंस की प्लेस पे वंस को ऐड करेंगे, टेंस की प्लेस पे टेंस को ऐड करेंगे। मैंने आप लोग को वंस, टेंस, हंड्रेड प्लेस वैल्यू बताया है ना, उसी तरीके से इसमें ऐड किया जाता है। ओके चिल्ड्रेन, तो 9 में 2 ऐड करेंगे, 9 में 2 ऐड करेंगे। ओके, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। तो पहले यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 9 लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं, 1 2, यहाँ पे कितना है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ रहा है चिल्ड्रेन? 11 आ रहा है। तो क्या करेंगे? 11 का 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो है 9 पे कैरी जाएगा। समझ में आया? 11 को पहले यहाँ पे लिख के देखेंगे। जो राइट साइड में होता है नंबर उसको नीचे लिखा जाता है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको ऊपर कैरी दिया जाता है। ओके चिल्ड्रेन, कैरी मतलब
मतलब होता है हासिल दिया जाता है। ओके तो वन यहाँ पे कैरी हो गया ना। अब नाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, टू लाइन ड्रॉ करेंगे और वन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको काउंट करेंगे कि कितना आ रहा है। ओके ये ड्रॉ करते हैं, वन टू, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ऊपर प्लस वन, ये सबको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्वेल्व पूरा पूरा लिख देंगे। तो ट्वेल्व पूरा पूरा यहाँ पे लिख दिया गया है, वन कैरी इसलिए नहीं गया है ऊपर क्योंकि नाइन के आगे कोई भी नंबर नहीं है। ओके चिल्ड्रेन, कैरी तब लगता है चिल्ड्रेन जब नंबर के आगे कोई नंबर रहता है। अगर नंबर के आगे कोई नंबर नहीं होता है तो जो नंबर ऐड करने पे आता है वो एज इट इज वहाँ पे लिख दिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। सिक्स के आगे कोई नंबर है नहीं है ना, यहाँ पे भी सिक्स के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व हो गया। समझ में आया, इसी तरीके से किया जाता है हॉरिजॉन्टल एडिशन। ओके चलिए अब वर्टिकल एडिशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि हॉरिजॉन्टल एडिशन को वर्टिकल एडिशन में कैसे राइट किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। तो ये वाले टू को ऊपर लिखा जाता है, ये वाले फोर को नीचे लिखा जाता है। ओके सिक्स को ऊपर लिखा जाता है, सिक्स को नीचे लिखा जाता है, 99 को ऊपर लिखा जाता है, 22 को नीचे लिखा जाता है। समझ में आया, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। ओके तो यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा चिल्ड्रेन, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे भी 6 वहां पे भी 6, बस मेथड अलग है। ये हॉरिजॉन्टल एडिशन है, ये वर्टिकल एडिशन है। ओके अब 6 प्लस 6 ऐड करना है, तो 6 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा चिल्ड्रेन, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 12 राइट करेंगे। ओके थर्ड क्वेश्चन है, 99 में 22 को ऐड करना है, तो हमने आप लोग को क्या बताया, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 2 में 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11 का राइट साइड वाला 1 यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट साइड वाला 1 ऊपर कैरी जाएगा। अब 9 में 2 ऐड करेंगे 11 और 1 12, तो यहाँ पे पूरा पूरा 12 राइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी वही आंसर आया। अब आप लोग को समझ में आया हॉरिजॉन्टल एडिशन एंड वर्टिकल एडिशन को कैसे ऐड किया जाता है। ओके इसी तरीके से जब भी आप लोग के टेस्ट एग्जाम या क्लास वर्क या होमवर्क में आएगा तो इसी तरीके से आप लोग को डन करना है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके चिल्ड्रेन चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास वर्क पे, देखते हैं आज का क्लास वर्क क्या है। सो चिल्ड्रेन आप लोग का क्लास वर्क क्या है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, एडिशन पढ़ाया है ना, उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग को क्लास वर्क कराएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, क्लास वर्क डालना है, डेट डालना है 25/8/2020, हेडिंग डालना है एडिशन, एडिशन की स्पेलिंग क्या होती है addition, एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़ना। समझ में आया, इस तरीके से आप लोग को नंबर लिखना है, फिर उसके बाद आप लोग को इसको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड मतलब जोड़ना है। तो एक लाइन में 2 क्वेश्चंस को राइट करेंगे, मतलब ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया, एक लाइन में 2 क्वेश्चन, सेकंड लाइन में 2 क्वेश्चन, लास्ट लाइन में 1 क्वेश्चन। ओके 1 बॉक्स में 1 डिजिट को आप लोग को राइट करना है। ओके चिल्ड्रेन चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 36 प्लस 32, 36 में 32 को ऐड करना है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट साइड से। तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो कितनी लाइन ड्रॉ करना है, पहले 2 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2, फिर कितनी लाइन ड्रॉ करना है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अब इनको पूरा एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 8, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 1 2 3, अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या राइट करेंगे 6 राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 95 में 91 को ऐड करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, यहाँ पे
वन लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, फाइव लाइन, 1 2 3 4 5। अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे राइट करेंगे 6। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, तो पहले 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है तो यहाँ 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब साथ में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पूरा पूरा 18 राइट कर देंगे। ओके चिल्ड्रेन, इसी तरीके से आप लोग को एडिशन करना है। जब हॉरिजॉन्टल एडिशन आएगा तो हॉरिजॉन्टल एडिशन करना है, जब वर्टिकल एडिशन आएगा तो वर्टिकल एडिशन करना है। ओके चिल्ड्रेन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 82 में 12 को ऐड करना है, तो पहले 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2, फिर 2 लाइन, 1 2। अब साथ में काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 राइट करेंगे, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे है 1, पहले 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पे 9 राइट कर देंगे, तो ये कितना हो गया 94। क्वेश्चन 4 है, 87 में 87 को ऐड करना है, तो यहाँ पे पहले 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको साथ में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे कितना आ रहा है चिल्ड्रेन, 14 आ रहा है, तो 14 का 4 यहाँ राइट करेंगे और 1 कैरी जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, राइट साइड वाला नीचे लिखा जाता है, लेफ्ट साइड वाला ऊपर कैरी रहता है, समझ में आया। अब ये कितना है 8, ये कितना है 8, अब 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 8 लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर कितना है 1। इन सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ क्या राइट करेंगे, 17 राइट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 69 में 69 को ऐड करना है, तो पहले 9 में 9 ऐड करेंगे, फिर 6 में 6 ऐड करेंगे, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब साथ में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 का 8 यहाँ पे राइट करेंगे और 1 कैरी जाएगा। यहाँ कितना है 6, यहाँ पे है 6, पहले 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 कैरी, नीचे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। आप साथ में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का पूरा पूरा यहाँ पे 13 राइट कर देंगे। ओके चिल्ड्रेन, मैंने आप लोग को दो तरीके से एडिशन पढ़ाया था, एक विद कैरी, एक विदाउट कैरी। तो विद कैरी कौन सा होता है, विदाउट कैरी कौन सा होता है, विद कैरी ये होता है, जैसे कि इसमें हासिल लगा है, इसमें हासिल लगा है, और विदाउट कैरी मतलब होता है जिसमें हासिल नहीं लगता है, जैसे कि ये ये ये, इसी तरीके से आप लोग को भी करना है। ओके चिल्ड्रेन, चलिए बढ़ते हैं अपने होमवर्क पे, देखते हैं आज का होमवर्क क्या है, आप लोग का होमवर्क क्या है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को जिस टॉपिक पे क्लास वर्क कराया, उसी टॉपिक पे आज हम आपको होमवर्क देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, होमवर्क मेंशन करना है, डेट डालना है 25/8/2020, हेडिंग डालना है एडिशन, क्या डालना है एडिशन, फिर इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद आप लोग को ऐड करना है, मतलब जोड़ना है खुद से, समझ में आया। सेकेंड होमवर्क है आप लोग का, राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स ऑफ 10 एंड 11, 10 एंड 11 की मल्टीप्लीकेशन टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में डन करना है। ओके चिल्ड्रेन, और जितनी भी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाती है उसको डे बाय डे रिवाइज करते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में और टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम, क्लास, सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।